After a suicide bomber killed 46 soldiers in Indian-administered Kashmir on... Diplomatic relations between both India and Pakistan on India accuses Pakistan of failing to act against the militant group based in Pakistan. Soldiers have sealed the scene of the bombing. Again violated ceasefire at LOC, but India gave a fitting reply in return with maximum shelling and minimum number of casualties. Three were reported killed in POK, while two in IOK. नहीं बाप, इंडियन आर्मी का भी जवाब नहीं। सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, जंग के मैदान में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अपने पीएम के भी हम दाद देते हैं, सही समय पे सही फैसला। अब लोगों में हमारी पार्टी की इज्जत और बढ़ेगी। सबको वॉर चाहिए, कोई भी यहाँ पे अमन के साथ जीना नहीं चाहता। अपने घर बैठे बैठे वॉर की बातें करना बहुत आसान, मगर बॉर्डर पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई नहीं जानता और शायद जानना भी नहीं चाहता। कोई नहीं जानता कि यहाँ पे रह रहे लोगों के साथ क्या बीतती, क्यों यहाँ पे जिंदगी की कीमत खाने से भी सस्ती होती है। पीछे से वार करने की आदत कहीं नहीं तुम्हारी। Sir, help! Ceasefire violation from Pakistan. Do you copy? Over. पाव कोली सालो हिंदुस्तानियो, बहुत मुबारक हो तुमको सालो, दुआ है तुम्हें जन्नत नसीब होगी साले हिंदुस्तानी। इन हिंदुस्तानियों की बंदूकों में आज हम नजर नहीं आता। अगर कल तक ऐसे ही चलता रहा तो अल्लाह मियाँ की रहम से कश्मीर ही नहीं बल्कि कन्याकुमारी तक पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हम एक जैसा बोलते हैं, एक जैसा दिखते हैं, फिर भी क्यों क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? ये जमीन अल्लाह की है, भगवान की है, खुदा की है, इस पर सिर्फ उन्हीं का हक है, हम तो बस एक मेहमान हैं। सही कहा, हम तो बस किराएदार हैं इस जमीन के, पर मालिक नहीं। और ये जमीन, ये हमसे हजार साल पहले भी थी और हमारे हजार साल बाद भी रहेगी। किस बात का है ये खून खराबा, किस बात की है ये जंग? टेंशन ना लो सर जी, अभी तो आपके हाथ का मुर्गा भी खाना है। तू फिकर मत कर, तुझे मुर्गा पसंद है ना, आज मैं इन दुश्मनों का कुर्ता निकाल के रात को रोटी के साथ तलेंगे और सुबह मस्त निकालेंगे। इन्हें देखो, आज बंदूकों से एक दूसरे का अंत लिखना चाहते हैं, पर ये भी नहीं जानते कि किस बात की सजा दे रहे हैं एक दूसरे को। शायद जब तक समझेंगे तब तक इनकी रगों से इनका खून खाली हो चुका होगा और ये जंग का मैदान सिर्फ लाशों से भरा होगा, सिर्फ लाशों से। इस धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी, अब की बार पानी से नहीं खून से होली खेली जाएगी। यही सही वक्त है खदेड़ने का, क्योंकि इनकी जोर अभी हमारे हाथ में।
अगर एक बार इनका बैकअप आ गया ना तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या क्या कर सकता है। सालों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। सर जी जनाब, जिंदगी के सफर की यही कहानी है। आज तुम पाकिस्तान में जन्मे हो और मैं हिंदुस्तान में, पर कल को क्या पता, शायद तुम हिंदुस्तान के वासी हो और मैं पाकिस्तान का नागरिक। तो फिर किस बात की है ये लड़ाई? सियासत ने देखो ये कैसा मुकाम बना दिया, अमन पस्त लोगों को लहू से नहला दिया। खींच दी नफरत की दीवार भाई भाई में, कुछ नहीं हासिल हुआ आज तक किसी को भी लड़ाई में। जाने कहां से मनहूस 47 का साल आया, एक बोलीज एक लहू लिए क्यों अलग देश पाया। इल्म नहीं जिनको खुदा का वो जिहादी हो गए, नेताओं की सरपरस्ती में कितनी माओं के लाल सो गए। खड़ी सीमा पर आत्माएं बोल रही हैं, किसने लड़ाया हमको ये भेद खोल रही हैं। तू हिंदू मैं मुसलमान कैसे मजहब के फंदे थे, खून बह गया सारा तन से तब पता चला हम रब के बंदे थे, हम रब के बंदे थे।